इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और पर्चा कट गया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर हंगामा आराई, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई शिबली फराज, असद उमर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर नामजद, फरूख हबीब, हम्माद असर, अमजद नियासी, खुरम नवाज, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल। मुलजिमान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई। FIR का मतन। इमरान खान के घर से पेट्रोल बम और असलहा बरामद होने का मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। मुकदमा थाना रेस कोर्स में इंस्पेक्टर जुल्फिकार की मुदय्यत में दर्ज किया गया। PTI कारकुनों के खिलाफ तोड़फोड़ और हंगामा राय के मजीद दो मुकदमात दर्ज। जमान पाक ऑपरेशन में गिरफ्तार 102 मुलजिमान का एक रोजा रिमांड मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कल मुलजिमान को इंसादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। इमरान खान के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर घुमसान करन, पथराव से SSP, 3 DSPs समेत 34 अहलकार जख्मी। PTI कारकुनों ने 10 पुलिस गाड़ियों, 3 बसों और 2 मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचाया। 2 पुलिस वैन्स और 2 मोटरसाइकिल्स को मुकम्मल जला दिया। पुलिस की जैमर गाड़ी की भी तोड़फोड़। तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। और 15 मार्च को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव। पुलिस की 32,32,42,000 रुपए मालियती गाड़ियों को नुकसान। 27 करोड़ रुपए मालियत की 3 वाटर कैनन तबाह। 1,25,00,000 रुपए मालियत के वाटर बाउजर्स को नजर आतिश कर दिया गया। 4,07,42,000 रुपए की 6 पुलिस वैन्स भी जला दी गई। तफसीलात दुनिया न्यूज पर। वीडियोस को करीब से देखकर हकीकत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और कालादम तंजीमों से भर्ती किए गए शरपसंद हैं। सबूत खुद बोलता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। जमान पाक से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक, असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, सिर्फ इसलिए कि जवाब नहीं है तो पूरे मुल्क को जला रहा है ये शख्स। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि एक लाडले को ये तहफ्फुज़ देकर, एक लाडले को ये रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। असलहा, जत्थों, पत्थरों से लेस शख्स रियासत पर हमला आवर हुआ। सियासी दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंचा लेकिन अदालत में पेश नहीं हुआ। इमरान खान अदालतों में पेश ना होने के बहाने बनाते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए पूरे मुल्क को जला रहे हैं। जो कुछ हुकूमत कह रही थी, कल आवाम ने वो सब कुछ देख लिया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, एक लाडले को रियायत देकर मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। इमरान खान इक्तदार छिन जाने पर होशो हवास खो बैठे हैं। मरियम औरंगजेब की गरज पर। पार्क पर एक बार फिर PTI के कारकुनों का कंट्रोल। मोर्चे संभाल लिए कारकुनों ने। इमरान खान के घर के दोनों दरवाजों पर कंटेनर रख दिए। रात गए मुश्तैल कारकुनों का पुलिस की गाड़ी पर धावा। तोड़फोड़ के बाद गाड़ी को नहर में फेंक दिया। पंजाब हुकूमत का हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तमाम शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान। जमान पार्क में ऑपरेशन। इमरान खान ने मशावरत के लिए कानूनी टीम को बुला लिया। चेयरमैन PTI की रिहायशगाह में पुलिस के दाखिल होने के मामले का जायजा लिया जाएगा। अदालत से रजू करने पर भी गौर होगा।
पुलिस अदालती फैसले को हवा में उड़ाकर इमरान खान की रिहायशगाह में दाखिल हुई। चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। हाई कोर्ट अपने फैसलों का पहरा दे, गैर कानूनी ऑपरेशन और तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। फवाद चौधरी। शुक्र है जमान पाक से क्लाशनकोफ निकली, तोप नहीं निकली। इमरान खान को ताकत से नहीं निकाला जा सकता। आइंदा 72 घंटे में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। 13 के टोले के पास कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लोग नहीं। पीडीएम वाले 30 अप्रैल तक करप्शन केसेस खत्म करा लें, वरना हकीकी जेल जाना पड़ेगा। शेख रशीद। इमरान नियाजी ने सियासत में नया रुझान मुतारिफ करवाया। ये है इनकी खुद साख्ता रियासत मदीना, नया पाकिस्तान और तब्दीली। शर्जील मेहमद ने पीटीआई कारकुनों के पुलिस और गाड़ियों पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। जमान पाक से जेर हिरासत तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाने का फैसला। लाहौर पुलिस ने 3 तालिब इल्म वर्सा के हवाले कर दिए। कम उम्र लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करने का फैसला किया गया। बच्चों का भी तालीमी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो देने का वादा। तहरीक इंसाफ ने मंगल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। जलसे की सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए जिलाई इंतजामिया को दरखास्त। हुकाम पहले भी जलसे की इजाजत देने से माजरत कर चुके हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कोयटा में 100 से 150 पीटीए कारकुनों के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज। पीटीआई और पीडीएम में लड़ाई सिर्फ इक्तदार के हुसूल के लिए है। गरीब आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। नौजवान हाथ में डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। सब ने मिलकर तोशाखाना को लूटा। सिराजुल हक। घोटकी के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस का एक्शन। नौमुखवी बाजियाब चिन्योट के डांस ग्रुप को 23 रोज पहले अगवा किया गया था। बाजियाब होने वालों में एक बच्चा भी शामिल। बीजिंग में पाक चीन दो तरफा सियासी मुशावरत का तीसरा दौर। सियासी सिक्योरिटी तिजारत और इक्तिसादी तआवुन को वसअत देने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग मैकेनिज्म को फरोग देंगे। मुबासलात के ज़राए को मजीद मजबूत बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा।